नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटी हुई हैं। इस बीच पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र की विधानसभा बांद्रा पश्चिमी से बीजेपी उम्मीदवार एडवोकेट शिलार आशीष के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे हैं और मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर सीएम धामी का बड़ी संख्या में प्रवासी उत्तराखंडवासियों और बीजेपी के नेताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सनातन रहेगा, यही सनातन है। इस सनातन के मानने वाले हम सब लोग भाई बहनों, इसलिए आपके एक एक वोट से इन सबको इस बार करारा जवाब देना है। और ये महाराष्ट्र की जो समृद्धि है, महाराष्ट्र का जो विकास है, उसको निरंतरता से जारी रखना है। अभी भाई महेंद्र गोसाई ने कहा कि अभी दो दिन पहले हमने पूरे प्रदेश के प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों का देहरादून में सम्मेलन रखा था, पूरे दिन भर का सम्मेलन रखा। रात तक बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर के लोग आए, यहाँ महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में, मुंबई से भी बड़ी संख्या में आए, गुजरात से आए, बेंगलोर से आए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024-25 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने 87 करोड़ की कुल 6 योजनाओं का लोकार्पण किया है। उन्होंने राज्य स्तरीय पिट्ठू प्रतियोगिता का भी शुभारंभ किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के लिए नेशनल गेम्स उत्तराखंड वॉलंटियर पोर्टल का शुभारंभ भी सीएम धामी ने किया है। युवाओं के समग्र विकास के लिए खेलों का भी हमारे जीवन में विशेष महत्व है। इसलिए हमारी सरकार ने राज्य में खेल के बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए विशिष्ट खेल नीति भी बनाई है। 4% का हमने कोटा भी निर्धारित किया है। एक और जहां हम राज्य के खिलाड़ियों को पदक अर्जित करने पर नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं, वहीं और दूसरी ओर विशिष्ट खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। हमारी सरकार खिलाड़ियों को निखारने वाले कोच और प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य अवार्ड भी प्रदान कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार एवं हिमालय खेल रत्न पुरस्कार भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण से पूरे प्रदेशवासियों को उत्तराखंड राज्य निर्माण के 24 साल पूरे होने और रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों एवं राज्य निर्माण के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए सम्मानित किया है। और साथ ही उत्तराखंड की मजबूत नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को भी राज्य की जनता की ओर से नमन किया गया है। राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हम सब की मांगों को पूरा करते हुए, जो हमारी बरसों बरसों से जो इस क्षेत्र की मांग थी, हमारी माताओं की मांग थी, पहाड़ की मांग थी, हमारे युवाओं की मांग थी, हमारे गौरव सेनानियों की जो मांग थी, हमारे युवाओं की जो मांग थी कि शिमली में जो कि जिले का केंद्र बिंदु है, वहां पर बेस अस्पताल बनना चाहिए। और बड़े आज खुशी के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आज पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे विधानसभा के विधायक श्री अनिल नौटियाल जी के द्वारा आज हमारी मांग पूरी कर ली गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने राज्य की धामी सरकार पर राज्य की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। दसौनी ने कहा कि पिछले 2 सालों से धामी सरकार और राज्य का बीजेपी संगठन लगातार यूसीसी की जुगजुगी पीट रहा है और
वहीं पर लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी यूसीसी लाने वाले पहले राज्य के सीएम के रूप में अपना झूठा प्रचार करके आ चुके हैं। इसलिए क्योंकि पिछले दो साल से लगातार राज्य सरकार राज्यवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये कह रही है कि यूसीसी राज्य स्थापना दिवस के दिन यानी कि जब हम रजत जयंती मना रहे होंगे 25वें साल में प्रवेश करेंगे स्थापना दिवस के उस दिन सौगात दी जाएगी। और आज उत्तराखंड देवभूमि का स्थापना दिवस है लेकिन यूसीसी लागू नहीं की जा सकी। आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है जिसको लेकर अंबेडकर नगर वार्ड 1 स्थित अंबेडकर पार्क में एक बैठक आयोजित हुई है जिसमें प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया है। चेयरमैन पद के लिए 13 नेताओं ने दावेदारी भी की है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं कांग्रेस जिला प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसमें निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को लेकर मंथन किया गया है। कांग्रेस पार्टी जिताऊ होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के प्रति आस्थावान कार्यकर्ता को ही निकाय चुनाव में टिकट देगी। अभी भी चुनाव हो सकते हैं, यद्यपि भी सरकार चुनाव से डर रही है, उसने आरक्षण घोषित किया है और ने चुनाव की सही डेट तय की है, लेकिन फिर भी हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस की मजबूती के लिए प्रत्याशियों का चयन हो और प्रत्याशी अपने अपने नगर पंचायत नगर पालिका और नगर निगम में काम करना शुरू करें, उस दृष्टि से हमने मीटिंग लेना शुरू किया है। और इस लालकुआ नगर पंचायत में हमारे प्रदेश नेतृत्व के द्वारा माननीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी को हमारे जिले का प्रभारी बनाया गया है निकाय चुनाव के मद्देनजर, और हम लोग लगातार पिछले 4-5 दिनों से सभी नगर पालिकाएँ जो हमारे जिले पे के आती है, चाहे वो नैताल नगर पालिका से हमने शुरू किया, फिर भवाली में गए, फिर हम लोग भीमताल गए, उसके बाद हमारा कालाढूंगी में हुआ, फिर अभी हल्द्वानी में हुआ आज, और हम लोग हर जिले में प्रभारी बनाए गए सीनियर लीडर हमारे जितने भी, तो इसी क्रम में जो है नैनीताल जिले में आदरणीय परम आदरणीय पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष रहे मंत्री रहे श्री गोविंद सिंह कुंजवाल लालकुआ में यहाँ पर आए और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात को समझा और उन्होंने सरकार ने समान नागरिक संहिता अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जिसे राज्यपाल ने भी स्वीकृति दे दी है। यह समिति यूसीसी लागू करने से संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों के प्रशिक्षण मार्गदर्शन पोर्टल आदि में मार्गदर्शन और परामर्श सहायता देगी। समिति में दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा और स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। देहरादून के तत्वाधान में विकास खंड सर्ट में ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ 2024 का आयोजन किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज देवालय के भव्य खेल मैदान में संपन्न हुए जिसमें अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 20 में भी दूसरे दिन कबड्डी और खो खो की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और नोडल अधिकारी खेल महाकुंभ दिनेश चंद्र फुलोरिया और कार्यक्रम संयोजक मोहन सिंह रावत डॉक्टर अनुराधा ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ किया है। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर रविवार को जनसैलाब दिखाई दिया है। स्वाभिमान रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला। स्वाभिमान रैली के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि उनकी मांग ठोस भू कानून के साथ साथ 1950 के आधार पर मूल निवास की मांग कर रहे हैं जिसको लेकर राज्य के हर जिले में अलग जगाने का काम कर रहे हैं।
मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति पूरे प्रदेश भर में मजबूत भू कानून और मूल निवास 1950 को लेकर संघर्ष कर रही है, और हरिद्वार जो हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धर्म नगरी है, यहाँ रैली का अलग ही महत्व है। यहाँ हमारे जो अन्न उत्पादक हमारे किसान है, अन्नदाता है, उनकी भी अपनी समस्या है, उनकी भी जो खेती किसानी का है उनके प्लस संकटों के सामने है, हमारे व्यापारी भाइयों के सामने तमाम तरह का संकट है, कमजोर की वजह से उनके व्यापारी हित प्रभावित हो रहे हैं। जमीनें चाहे मैदानी क्षेत्र हो पहाड़ी क्षेत्र हो, लगातार एक माफिया एक ऐसा गठजोड़ बन चुका है, उसके चलते जमीनें खत्म हो रही है, हमारे लोग भूमिहीन हो रहे हैं और नौकर और चौकीदार बनने के लिए मजबूर होते हैं, जो बाहर से यहाँ रिजॉर्ट और यहाँ बड़े बड़े होटल बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लोग इस राज्य में मालिक की हैसियत में रहे, भूमि नहीं होने चाहिए, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए। बाहर के लोग फौजी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, बैकडोर से एंट्री कर रहे हैं, आउटसोर्स एंट्री कर रहे हैं। देखिये मूल निवास भू कानून जो हमारे उत्तराखंड की लड़ाई है, इसको लड़ने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए, स्वराज सेवा दल इसका पूर्ण समर्थन कर रहा है और इस प्रदेश में मूल निवास और भू कानून लेकर रहे। देखिये इस प्रदेश में जो तमाम बाहर से लोग आकर के हमारी जमीनें खरीद रहे हैं और तमाम जो धांधली हो रही है, तमाम लोग फर्जी दस्तावेज बना करके हमारे उत्तराखंडियों की जमीनों को हड़प कर रहे हैं, और यहाँ तमाम जो हमारे युवाओं की जो नौकरियां मारी जा रही हैं, इन तमाम बिंदुओं को दूर करने के लिए, हमारे प्रदेश को न्याय देने के लिए, जिस प्रत्येक जिसे प्रदेश बना था उसकी लड़ाई को लड़ने के लिए हम दोबारा से मैदान में आ चुके हैं। उस संबंधी कानून जो है, देखिए आप देख रहे हैं तमाम आज सहारनपुर और तमाम अन्य जगह से लोग फर्जी दस्तावेजों को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। इसके लिए तमाम जो है जो हमारे भू कानून है वो अगर सही ढंग से लागू करते पर निश्चित तौर से हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और बाहर से भी जो प्रदेश के लोग आए हैं जो यहाँ पर बड़े व्यापार नहीं कर सकते, उन लोगों को भी अच्छे ढंग से रोजगार मिलेगा और तमाम जो उनकी तनख्वाह है प्रॉपर उनको मिलेगी। भारत माता की सुरक्षा में जिन सपूतों ने लहू बहाया है, उनके आश्रितों का दायित्व धामी सरकार ने उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है शहीदों के परिजनों को स्वावलंबी एवं आर्थिक तौर पर सबल बनाने का संकल्प, जिसके तहत सैनिक कल्याण की दिशा में कई प्रभावशाली एवं ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहले तो शहीद के परिवारों को मिलने वाली अनुदान राशि को बढ़ाया गया है, जिसके चलते अब बलिदानियों के आश्रितों को 10 नहीं बल्कि सरकार द्वारा 50 लाख की वित्तीय मदद दी जाएगी। इसके अलावा शहीदों के आश्रितों को सरकारी विभागों में नियुक्ति दी जाएगी। यही नहीं, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने की समय सीमा को भी 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। मैं किरण रतूड़ी, शहीद श्री राकेश चंद्र रतूड़ी जी की पुत्री, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनकी सरकार ने कहीं पर भी हमें अकेला नहीं पड़ने दिया। उनकी सरकार द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया गया व सम्मान दिया गया। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में देश के पहले सैन्य धाम का निर्माण भी करवाया जा रहा है, साथ ही किया जा रहा है अग्निवीरों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान। कहना गलत नहीं होगा कि उत्तराखंड में सैनिक कल्याण को पहली प्राथमिकता दी जा रही है। मैं स्वाति भट्ट, शहीद भगवती प्रसाद भट्ट की पत्नी, आज उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट करना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें अकेले नहीं पड़ने दिया। सरकारी नौकरी करने का अवसर देकर उन्होंने हमें सशक्त बनाया, सुविधाएं दी, व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी। आज हम अपने घरों में, अपने प्रदेश में सुरक्षित हैं, सुरक्षित नींद ले रहे हैं, सुरक्षित चैन से जी रहे हैं, तो केवल और केवल उन्हीं के कारण से, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जिनकी प्रत्येक सांस माँ भारती को अर्पित है, उनके उत्थान के लिए उत्तराखंड सरकार समर्पित है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। उत्तराखंड ने पकड़ी औद्योगिक विकास की रफ्तार, नए औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से आएगा निवेश, बढ़ेगा रोजगार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के चलते प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया गया है, निवेशकों के लिए आकर्षक नीतियाँ लाई गयी है। यही वजह है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान करीब 3,57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से राज्य में न सिर्फ व्यापक निवेश आ रहा है बल्कि नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास किया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों पर मुहर लगाते हुए केंद्र सरकार ने
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ऊधम सिंह नगर जिले के खुरपिया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी विकसित करने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट खुरपिया इंडस्ट्रियल सिटी मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बनेगा। यहां 1265 करोड़ रुपए की लागत से 1002 एकड़ भूमि पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। परियोजना के माध्यम से करीब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया जाएगा, जिससे राज्य में 75,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खुरपिया औद्योगिक क्षेत्र में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन की इकाइयों पर फोकस किया जाएगा। देश का प्रमुख औद्योगिक गलियारा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खुरपिया के करीब से होकर गुजरता है। कॉरिडोर से जुड़ने के कारण खुरपिया की रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादों के निर्यात में सुविधा मिलेगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और व्यापक निवेश आकर्षित करके धामी सरकार सशक्त उत्तराखंड की मजबूत नींव रख रही है। औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिलेगा रोजगार। के बाद स्वागत है आप सभी का, रुख करते हैं खबरों की तरफ। कम समय में अधिक रुपए कमाने के लालच ने 5 युवकों को चरस तस्कर बना दिया है। तस्कर बनने के बाद 5 युवक उत्तरकाशी से चरस लेकर ऋषिकेश आते समय नरेंद्रनगर में चेकिंग के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद 5 युवक चरस तस्कर बनने पर पछता रहे हैं। फिलहाल पुलिस और एसओजी की टीम ने 5 तस्करों को मुकदमा दर्ज करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल पहुंचा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि टिहरी पुलिस के द्वारा भी लगातार जो नशा तस्कर हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी जो ANTF टीम है और थाना नरेंद्रनगर की टीम है, इनको हासिल हुई है। इस टीम के द्वारा कल देर रात नरेंद्रनगर प्लास्टा क्षेत्र से 5 नशा तस्करों को पकड़ा गया है, जो कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में नशे की सामग्री लेकर जा रहे थे। और उनके कब्जे से लगभग 3.5 किलो चरस बरामद की गई है, जिसकी जो अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो वहीं जनपद पौड़ी कोट ब्लॉक के बसंतपुर सरकारी अस्पताल का है, जिसमें पहले भी कर्मचारियों की ड्यूटी से नदारद होने की शिकायत स्थानीय लोग विभाग और शासन द्वारा कर चुके भी हैं, लेकिन इन कर्मचारियों पर न जाने क्यों शासन मेहरबान है। राज्य स्थापना दिवस पर इस अस्पताल के दरवाजे बंद नजर आए। सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह ने बताया कि उक्त अस्पताल में अक्सर डॉक्टर फार्मासिस्ट गायब रहते हैं और उनकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, लेकिन विभाग न जाने क्यों इन पर मेहरबान है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि आज बहुत ही एक शर्मनाक जो वाक्य जो है हमारे राजकीय प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है बसंतपुर में वहाँ हुआ है। और राज्य स्थापना के दिवस में जो कई हमारे जो गांव के निवासी थे, जिनके कुछ मतलब स्वास्थ्य के गड़बड़ होने के कारण जब वो वहाँ पहुँचते हैं, बसंतपुर हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, तो उन्हें वहाँ कोई भी। उत्तराखंड ने अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जिसमें रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं कोटद्वार तहसील सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने भी हिस्सा लिया है। और इस दौरान राज्य आंदोलन में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखने के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य आंदोलनकारियों को जिस राज्य की लगातार लड़ाई लड़ी, हमारे 42 शहादत हुए, आज वो कहीं शहीद जो उत्तराखंड के शहीद था, जो आंदोलनकारी थे, उनके शहीद उनके अनुरूप अभी राज्य का निर्माण नहीं हो पाया, जिससे आज चाहे कोई भी वर्ग हो वो सड़कों पर है। अब विभिन्न सरकारों से अपने जैसे जल जंगल जमीन, लेकिन सपनों का राज्य आज तक नहीं बन पाया। जल जंगल जमीन के मुद्दे जू के त्यू हैं, भू कानून अभी तक लागू नहीं हो पाया है, और खनन माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफियाओं पर लगाम अभी तक नहीं कसी गई है। बस एक सुखद बात यह रही है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से आज तक जो 10% आरक्षण का मुद्दा अटका हुआ था, उसके लिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। सरकार ने कैबिनेट में उसे पास करा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश संबंधी विभाग को बहुत पहले दे दिए थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों का पालन करते हुए नजर नहीं आ रहे। साथ ही भतरौज खान ने भी
भीकिया सैन तक सड़कों में हर जगह गड्ढे बने हुए हैं। इस मार्ग से रोज सैकड़ों वाहन गुजरते हैं और साथ ही ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड सहित बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग भी है और फिर भी इसकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन सड़क बदहाली के कारण वाहन चालक स्थानीय ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ता है। ये लापरवाही है जिसमें विभाग ने एक किस्म से कह लीजिए जो है खोखले वादे किए हैं। लोक निर्माण विभाग रानीखेत की ये सड़क है भतरोज खान में, जो पूरे भतरोज खान से लेके भिक्यासेन वाली रोड है और उसमें आप गड्ढे देख सकते हैं। इस तरीके से हैं कि लोक निर्माण विभाग को कई प्रकार से शिकायतें मुख्यमंत्री पोर्टल पर, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फोन पे, लिखित में, व्हाट्सएप पे शिकायतें कर दी गई हैं कि ये गड्ढे जो हैं अभी भी भरे नहीं गए हैं, इससे गाड़ियों को चलने में, आवाजाही करने में लोगों को कई प्रकार की परेशानियां। तो सीधा आपको लिए चलते हैं नाला सोपारा, जहां पर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा आयोजित की गई है। बीजेपी प्रत्याशी राजन नाइक के पक्ष में जनसभा रखी गई। सीएम धामी ने जनसभा में शिरकत की और साथ ही सीएम ने जनसभा को संबोधित भी किया है। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। अरे काम किए हैं, एक कार्यशैली बनाई है, मुंबई में चारों ओर भूमिगत ट्रेनों का विस्तार किया जा रहा है। अभी मैं इससे पहले में आशीष शेलार जी की सभा में था, उनके समर्थन में सभा हो रही और हमारे यहीं मुंबई से लालकुआ के लिए अभी ट्रेन चालू हो रही है और निश्चित रूप से उस ट्रेन के चालू होने से पूरे उत्तराखंड के अंदर आने वाले, उस कुमाऊं क्षेत्र में जाने वाले लोगों के लिए, अभी कोटद्वार के लिए ट्रेन चलने वाली है, यहाँ से हरिद्वार के लिए कुछ ट्रेनों की मांग की गई है, उन सभी पर हम बात कर रहे हैं। और ये सब तभी संभव हो पा रहा है जब डबल इंजन की सरकार चल रही है। भाई बहन, मुंबई में भी कई जगह पर ट्रैफिक की समस्या है, लेकिन डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से आज ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए काम कर रही है, वो दिन दूर नहीं है जब मुंबई से भी ट्रैफिक की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एक तरफ मुंबई के साथ ही पूरा महाराष्ट्र तेज गति से आगे बढ़ रहा है, वहीं आपके यहाँ पर जहां मैं आज आप सब लोगों का समर्थन मांगने के लिए, आप सबको इनके समर्थन के साथ साथ प्रचार अभियान में जाने के लिए भी आप सबका आह्वान करने के लिए मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ, नाला सोपारा विधानसभा और बसाई विधानसभा के। आज भी जब पूरे महाराष्ट्र का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, देश का विकास तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये दोनों विधानसभाएं अभी भी विकास की जो गति है, विकास का जो रथ है, विकास का जो पहिया है, उसमें शामिल नहीं हो पा रहे। आखिर क्या कारण है, ये प्रश्न मैं उत्तराखंड से आकर नहीं पूछने वाला हूँ। ये आप सब जो मुंबई वासी हैं, जो हमारे प्रवासी हैं, उन सबके मन में भी ये प्रश्न आना चाहिए कि अभी इतने सालों से इस क्षेत्र में विकास क्यों नहीं तेजी से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक परिवार का लगातार शासन होता रहा है और उनको लगता है कि काम करो या न करो हमको तो वोट मिलने वाले हैं। लेकिन मैं आज इस प्रकार से आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोगों के चेहरों को देख रहा हूँ, तो ये दोनों ही विधानसभाओं में इस बार परिवर्तन का मूड बना लिया भाई बहनों, इस बार सम्मान का फूल खिलाना है। इस बार आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवारों को जिताना है और जो यहाँ पिता पुत्र की एक परिवारवादी पार्टी है, इस पार्टी से दूरी बनाने के साथ ही आप झूठ, भ्रष्टाचारी, सनातन विरोधी और महिला विरोधी जो कांग्रेस पार्टी है, उस कांग्रेस पार्टी से भी आपको सतर्क करने के लिए आ रहा हूँ भाइयों बहनों। एक तरफ आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण देश की संसद में, देश की विधानसभाओं में सुनिश्चित किया गया है बिल लाकर, महिला शक्ति बंधन विधेयक पास करके, वहीं दूसरी तरफ जो अगाड़ी गठबंधन के नेता है ये लगातार महिलाओं को गालियां दे रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमन्त देवता, यानी यहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है और ये लोग इस प्रकार से उपवास उड़ा रहे हैं। इनकी ये जो अभद्र भाषा है, इनकी जो ये महिला लास्ट में इतना ही, नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार